कहा श्याम थोड़ी दूर तक मुझे छोड़ने के लिए चलो। भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से आज्ञा मांगी, माँ ने कहा कन्हैया चले जाओ थोड़ी दूर तक बिटिया को छोड़ के वापस आ जाओ। भगवान जब आगे बढ़े हैं मैया तो थोड़ी दूर छोड़ना तो भूल गए, बातों ही बातों में बरसाने तक पहुंच गए। कीर्ति ने गोदी में बैठा लिया, जो बात माया शोदा ने कही वही बात मैया कीर्ति ने भी कह दी। श्याम को बड़े प्यार से भोजन कराया, बड़े अच्छे से लाड प्यार किया, कहा लाला यशोदा के आंगन में और कोई बालक नहीं है, तुम चले जाओ और जब तुम्हारा मन हो फिर आ जाना। राधा से श्याम ने कहा राधा मैं अपने घर से तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ने आया हूँ, भला तुम मुझे थोड़ी दूर छोड़ने नहीं जाओगी। राधा बोली जब कौन सी बात, चलो हम छोड़ के आते हैं। राधा आगे बढ़ी है कन्हैया के साथ में और मुरलीधर जब थोड़ी दूर पर पहुंचे हैं तो राधा लौट करके वापस जाने लगे। जवाब दिया राधा राधा कहाँ जा रही हो, जवाब दिया मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूँ, तुम भी हमारे घर तक चलो। राधा बोली उधर से मैं कैसे आऊंगी, उधर से चिंता मत करो हम छोड़ जाएंगे। राधा बोली बस जय नाटक रचे रहो, हम तुम्हें छोड़ जाए तुम हमें छोड़ जाओ। जब राधा चली माताओं तो हुआ क्या, राधा चली परसाने की राधा चली कन्हैया से सखी रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं अवनीश भैया की बुआ जी गीता यादव, जो अवनीश भैया की बुआ जी हैं नंगला दलजीत से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 501 रुपए देकर मुझे सम्मानित किया और 20-20 रुपए हमारे समस्त भाइयों को देकर सम्मानित किया। ठाकुर जी से आशीर्वाद की कामना, गोविंद का पंजा बुआ के ऊपर बना रहे, बुआ का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 111 रुपए श्रीमान राम विशेष यादव नंगला अनूप की तरफ से पावन पवित्र कमाई से भैया सम्मानित कर रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। बोले गोविंद भगवान की।